the local. दोस्तों मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ पोर्टुगल की राजधानी लिस्बन में। देखिए यहाँ पर जो कोविड केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते का एक एवरेज रहा है कि रोज़ 5,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मैं कुछ ऑनलाइन सर्च कर रहा था, मतलब 22 दिसंबर को केसेस तकरीबन 8,000 से ज़्यादा आए हैं। तो एक छोटा सा कंट्री है, 1,10,00,000 से थोड़ा सा, मतलब 1,10,00,000 आबादी है, तो उनके लिए बड़ी चिंता की बात है यहाँ पर। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्क्वायर है वहाँ पे मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक लाइन सी लगी हुई है, वो लाइन अब मैं आपको दिखाऊँगा भी। तो बेसिकली यहाँ पर कोविड टेस्ट चल रहा है और लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए ये यहाँ के मेन चौराहों में से एक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये जो लाइन लगी हुई है ये है ऐसे लोगों की जो अपने कोविड टेस्ट करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया था तो कोविड केसेस बहुत कम थे और इनफैक्ट आज मैंने भी अपना कोविड टेस्ट करवाया है। तो देखिए मेरा जो नंबर था वो करीब 45 मिनट पे आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर और लोग कोविड टेस्ट करवा रहे हैं अपना। तो बेसिकली जनरली सिचुएशन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में सिचुएशन बेहतर होगी। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में पहले भी कहता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बेसिकली ये वीडियो था आपको अपडेट देने के लिए कि पोर्टुगल में अभी कोविड की करंट सिचुएशन क्या है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे जाते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।